हेलो फ्रेंड्स, आज लेकर आया हूँ आपके लिए ऑनलाइन यूपीएस। ये एक ऑनलाइन यूपीएस का दे सकते हैं आप लेआउट है। मैंने इसको टेयर डाउन करके एक बोर्ड के ऊपर तैयार किया है। तो जैसे कि डीसी कैपेसिटर है, ये एक ब्लॉकिंग डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर, फिर ये दो लगी हुई रिले, वो चार्ज जो कैपेसिटर को चार्ज करता है, पीसीबी, एमसीबी है, बैटरी और मेंस की, ये आप देख सकते हैं। डिस्प्ले ऑन ऑफ स्विच है, ये इसका डिस्प्ले है कार्ड। उसके बाद आपका सेंस कार्ड आ जाता है। उसके बाद ये मदर कार्ड है, जिसको मदर कार्ड कंट्रोल कार्ड भी बोलते हैं। उसके आगे चलते हैं जो पल्स कार्ड आ जाता है, और ये आपका इन्वर्टर कार्ड है, फैन लगा हुआ है, फिर आउटपुट जो निकलती है वो ट्रांसफार्मर पे, ठीक है जी, साथ में लगा हुआ कैपेसिटर, और आउटपुट पे मल्टीमीटर लगा हुआ है, लोड डाल रखा है 200 वॉट का बल्ब, और ये एक ओवर चार्जर है। ये भी सिमी तरह ऐसे एक चार्जर है, जैसे सिमिलरली ये चार्जर है। तो ये 192 वोल्ट में है चार्जर, तो आप इससे मिनिमम 175 और मैक्सिमम इससे आप 230 तक ले सकते हैं। और आउटपुट डीसी एसी देके डीसी, तो मैंने इसी चार्जर को जो लगा हुआ है इसको एज ए बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बैटरी पे उठाने के लिए, बैटरी वाले से भी उठाएंगे ऑन करने के लिए। तो ये ब्लू वाला मल्टीमीटर मैंने ये कैपेसिटर पे लगा हुआ है। अभी कैपेसिटर पर 78 वोल्ट है। तो ये लगा हुआ, ये जो मल्टीमीटर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है जी इन्वर्टर कार्ड। ये इन्वर्टर कार्ड कितनी वोल्ट बनाएगा वो उस ट्रांसफार्मर पर डालेंगे, आगे वो मल्टीमीटर दिखा देगा कि कितनी आउटपुट हम आगे जो आउटपुट लेंगे। तो ऑन करने के लिए इसको बैटरी के एमसीबी उठा देते हैं। अगर बैटरी पे भी कर सकते हैं आप ऑन, और मेन के दोनों केस में कर सकते हैं, पर बैटरी पे ऑन करने में पे करने पे थोड़ी सी सेफ्टी रहती है। तो बैटरी के एमसीबी उठाते, बटन ऑन, जैसे इसको ऑन करते हैं इसकी इंडिकेशन दे सकते हैं आप। इसमें जो बैटरी वोल्ट है 205, 103 वोल्ट जो ये कार्ड बना रहा है, ये आपका सिस्टम चल पड़ा है। लोड भी डाल दिया है इसके ऊपर। आउटपुट जो वोल्ट है आपके 225 के करीब बन रही है। ये रिले लगी ऑप्शनली, इससे आप सप्लाई ले सकते हैं, मेंस की बाईपास सप्लाई और इन्वर्टर सप्लाई आप ले सकते हैं। अभी इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। तो ये पल्स कार्ड इसकी जो वोल्ट बन रहे हैं, 102 वोल्ट बन रहे हैं जी, 102 वोल्ट है उस ट्रांसफार्मर पर डाल रहे हैं, उसको अप करके वो 225 वोल्ट बना रहा है। और जो 203 वोल्ट जो डीसी के हैं, ये 203 वोल्ट यहाँ से इस कार्ड पे डाले जा रहे हैं। ये हमारा जो डीसी कैपेसिटर पे आ रही है वोल्टेज, इसको इन वायर के थ्रू, नेगेटिव और पॉजिटिव के थ्रू, ये मैंने फ्यूज डाल रखा है, पतला सा हल्का सा, सेफ्टी के लिए मैंने हल्का सा डाला है। तो बाद में जब ये कम्प्लीट हो जाता सेट, तो बड़ा फ्यूज डालकर ज़्यादा लोड डालकर चेक कर लेते हैं। तो ये कार्ड पॉजिटिव यहाँ से आ गया और नेगेटिव यहाँ आ गया, तो इसको 203 वोल्ट दे रहे हैं डीसी, और 203 डीसी वोल्ट लेकर ये वाला कार्ड उसको 103 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। फिर वो 103 वोल्ट उस ट्रांसफार्मर पर डालकर उसको अप करके 225 के करीब वोल्ट बना रहा है। तो ये सारा सिंक का काम है, सिंक्रोनाइजेशन का, ये मेन कार्ड करता है, यही चेक करता है कि कितनी वोल्ट पे कैसे काम करना है। आगे ये यहाँ पल्स देता है, ये स्केयर वेव देता है, यहाँ से स्केयर पल्स देता है। तो स्केयर पल्स इसमें जाएगी, फिर वो आगे जाएगी, क्योंकि ये स्केयर, ये आपका एच इन्वर्टर है, एच इन्वर्टर जो उसको बोलते हैं, एच ब्रिज इन्वर्टर है ये। तो इसमें लगे हुए हैं मोस्फेट K75T60 लगे हुए हैं। ये इसके ड्राइवर IGBT क्या कहते हैं, ड्राइवर PCB लगी हुई है। तो ये UPS है। अभी इसको बैटरी पे, अभी मेन्स की उठा देते हैं MCB। अभी मेन्स के MCB उठा दी है, तो मेन्स पे चल रहा है। जैसे मेन्स उठाया तो DC बस जो बंद रही थी वो 314 होगी, और जो हमारे 103.4 बंद रही, तो आप थोड़ी सी वेरिएशन रहेगी। तो ये था पाँच, ये ऑलमोस्ट, ये जो पावर कार्ड लगा हुआ है
ये 5 kV का लगाइए इन्वर्टर कवर, 5 kV तक का लोड आप डाल सकते हैं, 5 kV बोलते हैं, और उसको अगर आप वाट में या वाटेज में निकालोगे तो 4000 वाट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4000 वाट इस पर लोड डाल सकते हैं। अभी जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया ये भी छोटे वाला है मेरे पास, 3 kV का है, तो टेस्टिंग के लिए ऐसा कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इस पर थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करके बताऊँगा। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।